गुड मॉर्निंग विनोद. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. वेलकम टू अन अकेडमी. पूजा पाटोले हियर. ओके. सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, जो कि इंडिपेंडेंस डे पर जो है मैंने आपको APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताया था. जिन्होंने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख लीजिए. ये उसी का कंटिन्यूएशन सीरीज़ है. आपका जो पेपर 3 है उसमें आपके कुछ साइंटिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है. अगर आप मेंस का पेपर देखेंगे, मेंस का सिलेबस देखेंगे, तो उसमें पेपर 3 है जिसमें आपके कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट जो है वो दिया हुआ है. तो उसी के जो है साइंटिस्ट हम लेकर आ रहे हैं इस टॉपिक के पढ़ने के बाद. JC बोस आज का हमारा टॉपिक है, जगदीश चंद्र बोस. तो ये पढ़ने के बाद हम लोग जो है 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर भी देखेंगे कि इस साइंटिस्ट से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ अन अकेडमी के लिए, ठीक है. वेलकम टू अन अकेडमी. और यहाँ पर जो है फ्री प्लान बेनिफिट्स हैं आपको, ठीक है. 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस हैं. यहाँ पे स्पेशल क्लासेस के बहुत ज़्यादा फीचर्स अभी डाल दिए गए हैं, जैसे इंटरैक्टिव क्लासेस रहेंगी. यहाँ पर पोल्स रहता है, जब भी आप जो है MCQ सॉल्व करते हैं तो उसके लिए पोल्स रहता है, ताकि आपको जो है लीडर बोर्ड पता चल सके, ठीक है. आप अपना हैंड रेज करके जो है डाउट पूछ सकते हैं लाइव क्लास में, ठीक है. आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. उसके बाद जो है मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप. यहाँ पर जो है मैंने जुडिशियल सिस्टम का पूरा एक टॉपिक पढ़ाया है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं फॉर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. और यहाँ पर प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप और मेंस का पेपर 2 जो है उसका पार्ट ए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी मैं जो है पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है. इसके बाद स्पेशल क्लासेस जो हैं ये चल रही है. मेरा प्लस कोर्स भी चल रहा है ऑन इंडियन पॉलिटी एंड मध्य प्रदेश पॉलिटी. यूनिट 5 और यूनिट 6 आपका चल रहा है प्लस कोर्स में, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है T20 और CSAT प्रैक्टिस. और जो है आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विद यूजिंग द रेफरल कोड. माई रेफरल कोड इज पार्ट लाइव, ठीक है. प्लस के बहुत सारे फीचर्स हैं. 18th अगस्त से जो है फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 8 मंथ्स का, ठीक है, जिसमें आपका राइटिंग आंसर प्रैक्टिस भी जो है वो स्टार्ट होगा. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी सीरीज चलेगी, ठीक है. यहाँ पर आपका एक अनाउंसमेंट है कि जो अभी जो ऑफर चल रहा है वो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है. आपको 24 मंथ्स पर 3 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है और 12 मंथ्स पर 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है. तो यू कैन ग्रैब दैट. अभी बहुत कम समय बचा है इसके लिए, ठीक है. आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, पैट लाइव इज़ माई कोड. यू कैन यूज़ इट फॉर 10% डिस्काउंट. दिस इज़ अबाउट मी. आई एम BE ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स एंड स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स आर पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड MPGK, राइट. चलिए तो आज हम बात करते हैं जगदीश चंद्र बोस की, जो हमारे फ्यू 18th century के साइंटिस्ट हैं. और ये तब के साइंटिस्ट हैं जब जो है आपका जो भारत है, जो इंडिया था, वो ब्रिटिश रूल के अंडर था. आप जानते हैं सभी कि 1858 के समय जो है कितना ज़्यादा जो है ब्रिटिश रूल चल रहा था यहाँ पर, है ना. तो हम आज बात करते हैं जगदीश चंद्र बोस की कि क्या क्या इनका अर्ली लाइफ था और क्या क्या चीज़ें जो है इन्होंने देखी हैं अपनी लाइफ में, क्या क्या इन्होंने अचीव किया है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियंस एज अ इंडियन साइंटिस्ट आपके इंडिया में क्या रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें. हम इनको क्या क्या अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं, ताकि एक फुल जो है सारा कंटेंट आपको यहीं मिल जाए और कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ की कि क्या हुआ था यहाँ पर. तो देखिए, जगदीश चंद्र बोस जो हैं इनका जन्म हुआ था आपका 30 नवंबर 1858 में मेमनसिंह में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश का पार्ट है, ठीक है. मेमनसिंह में हुआ था, 1858 में हुआ था. तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर
कि इस टाइम पे कितना ज़्यादा जो है ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में, और एक कॉलोनाइज्ड इंडिया था, कॉलोनाइज्ड इंडिया में जो है इनका बॉर्न हुए थे ये सर जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, फिर यहाँ पर जो थे इनके जो फादर थे वो थे आपके भगवान चंद्र बोस, जो कि एक लीडिंग ब्रह्म समाज के जो है लीडर थे, लीडिंग मेंबर थे उस टाइम पर। और सबसे बड़ी बात, वो तब के वहाँ के डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे ये। पर उसके बाद भी इनके फादर जो है डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट होने के बाद भी, इतनी अच्छी पोस्ट होने के बाद भी, इन्होंने अपने बच्चे को, मतलब आपके जो जगदीश चंद्र बोस हैं, इनको एक जो है ऐसे स्कूल में भेजा, सरकारी स्कूल में भेजा, जहाँ पर ये अपनी लैंग्वेज को जो है पहले वो अपनी लैंग्वेज सीखे और उसके बाद जो है ये हायर स्टडीज की बात करे। तो यहाँ पर उन्होंने जो है, इनके फादर ने इनको बहुत ही एक नॉमिनल स्कूल में भेजा, जहाँ पर इनकी जो मदर टंग है उसमें जो है पढ़ाई होती थी। और वहाँ पर इनके जो दोस्त थे वो कौन थे, इनके फादर के जो ड्राइवर हैं, गार्डनर हैं, ये सब इनके दोस्त हुआ करते थे, और उन्हीं के साथ बैठ के ये खेला करते थे और बातें किया करते थे। और वहीं से जब इनके दोस्त जो हैं, जब इनको बताते थे नेचर के बारे में कि ये झील है, ये तालाब है, यहाँ से फल तोड़ना है, तो यहाँ से जो है उनका नेचर के प्रति जो है और ज़्यादा जो है प्यार बढ़ा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जब बोटानिस्ट, एज अ बोटानिस्ट जब जो है इन्होंने अपना करियर चुना, तो वहाँ पर मैं बताऊँगी कि ये जो नेचर के प्रति प्यार इनका इस टाइम पर बचपन में आया, वो आगे जाकर कैसे हुआ, है ना। फिर यहाँ पर अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद बोस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए नेचुरल साइंस पढ़ने। उनके फादर चाहते थे कि वो मेडिकल साइंस में कुछ करें, वो डॉक्टर बने, ठीक है। तो यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए और वहाँ पर उन्होंने नेचुरल साइंस में स्टडी किया, बट इनकी तबीयत वहाँ पर ठीक नहीं थी, तो वहाँ पर इन्होंने उस चीज़ को ड्रॉप करते हुए मेडिकल साइंस नहीं परसू किया, और उन्होंने नेचुरल साइंस में जो क्या है अपना स्टडी किया, और वहाँ से फिर उन्होंने फिजिक्स की डिग्री ली, ठीक है, फिजिक्स की डिग्री ली, और वो वापस कहाँ आ गए, इंडिया वो वापस आ गए, और उन्होंने क्या किया, इंडिया वापस आ गए, और उन्होंने क्या किया, फिर बीएससी खत्म होने के बाद उन्होंने एज अ प्रोफेसर फिजिकल साइंस में, एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिकल साइंस उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कैलकटा में है वहां पर ज्वाइन किया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जैसे ही जो है आपके जे सर जे सी बोस जो हैं, इन्होंने एज अ फिजिक्स टीचर जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया, तो इन्होंने पाया कि वहाँ पर जितने भी ब्रिटिश प्रोफेसर्स हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, और उतनी ही क्वालिफिकेशन के साथ जो दूसरे इंडियन प्रोफेसर्स हैं उनकी सैलरी 1/3 भी नहीं है। तो यहाँ पर जो जे सी बोस है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ इनको मिलता था वहाँ पर मंथली। तो इन्होंने क्या बोला कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे या तो बराबर की ही सैलरी दो आप ब्रिटिश वालों से, या तो मैं कम नहीं लूँगा। तो वहाँ पर प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने 3 साल तक फ्री में बच्चों को पढ़ाया, मतलब इन्होंने पे बिल्कुल नहीं लिया कॉलेज से। और फिर बाद में वहाँ के जो बोर्ड मेंबर्स थे प्रेसिडेंसी कॉलेज के, उन्होंने इनकी सारी बातें मानी, और वहाँ पर जितने भी इंडियन प्रोफेसर्स थे उनको भी इक्वल वेज दिया जितना कि वो ब्रिटिश प्रोफेसर्स को देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ साबित करी कि देखिए टैलेंट जो है उसको आप मोल नहीं लगा सकते हैं, है ना, टैलेंट सब में अगर इक्वल है तो इक्वल पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ फिजिक्स टीचर, और फिर बाद में इन्होंने इनका जो पहले ये कॉलेज में पढ़ाते थे, और उसके बाद जो है ये अपना रिसर्च का टाइम जो है देते थे। तो एज अ फिजिसिस्ट, एज अ बायोलॉजिस्ट, एज अ बोटानिस्ट एंड राइटर ऑफ साइंस फिक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जे सी बोस कंटिन्यू करते थे जब वो प्रोफेसर थे। तो हम एक एक करके देखते हैं कि एज अ फिजिसिस्ट, एज अ बायोलॉजिस्ट, एज अ बोटानिस्ट उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका टू द वर्ल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर बोटानिस्ट, एज अ बोटानिस्ट उन्होंने क्या क्या किया, ही वॉज द फर्स्ट टू प्रूव दैट प्लांट्स टू हैव अ फीलिंग। मतलब यहाँ पर जे सी बोस जो हैं उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि प्लांट्स में भी फीलिंग होती है, उन्हें भी हीट, कोल्ड, रेन, इन सब का जो है उनको एहसास होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को किसने प्रूफ किया, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ किया जे सी बोस ने, प्लांट्स टू हैव अ फीलिंग। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी कि
इनको भी नॉइज से जो है प्रॉब्लम होती है, इनको अगर शॉक दो तो ये भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे कोई एनिमल रिएक्ट करता है। अगर इनको केमिकल्स या ड्रग्स देते हैं तो ये वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे कि एक एनिमल करता है। हीट, कोल्ड, लाइट, इन सब से जो है इनको फर्क पड़ता है, किसको? आपके प्लांट्स को। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि प्लांट्स टू हैव अ फीलिंग। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि प्लांट्स में जो है अगर आप उसको एक सूदिंग म्यूजिक पे रखेंगे, मतलब एक अच्छा सा म्यूजिक चला देंगे प्लांट्स के पास, तो वो हेल्दी तरीके से ग्रो होंगे और अच्छे से ग्रो होंगे। बट वहीं अगर आपने कोई ऑफ बीट म्यूजिक रख दिया तो यहाँ पर जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट किए जगदीश चंद्र बोस ने। अगर उनको शॉक दो, अगर उनको केमिकली ड्रग्स दो, उनको पॉइजन दो, तो वो भी मर जाते हैं जैसे कि एनिमल्स मर जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसने बताई? आपके सर जेसी बोस ने। और यहीं पर ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने इन्वेंट किया क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ उन्होंने इन्वेंट किया। ये क्रेस्कोग्राफ क्या करता था? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो था आपका क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, इन्होंने इसको इन्वेंट किया। तो अगर प्रिलिम्स में भी क्वेश्चन आता है या मेंस में भी अगर ये वर्ड आ जाता है क्रेस्कोग्राफ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जगदीश चंद्र बोस ने इन्वेंट किया है। और किस लिए किया है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इन्होंने एक बोस इंस्टीट्यूट इन कैलकटा जो है इसको फाउंड किया, इसको एस्टैब्लिश किया फॉर द स्टडी ऑफ प्लांट। और ये एशिया का पहला इंस्टीट्यूट था इन सच डिसिप्लिन। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स के लिए बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कैलकटा इन्होंने एस्टैब्लिश किया। ठीक है, ये बात हो गई एज अ बोटानिस्ट उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी। इसके बाद एज अ फिजिसिस्ट जो है इन्होंने सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया? मिलीमीटर लेंथ रेडियो वेव्स। ठीक है, जो आज की डेट में आप एमएम पढ़ते हो, रेडियो वेव्स पढ़ते हो, ये सबसे पहले जो है आपके जेसी बोस ने इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ पर इन्होंने ही सबसे पहले दिखाया कि सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर जो है वो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से वॉल्स के बीच में, ठीक है, बहुत दूर से अगर हम कोई बटन दबाते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो वॉल्स के बीच में से भी जो है रिंग जो है वो बजेगी। तो यहाँ पर उन्होंने रेडियो वेव्स का आविष्कार किया, फर्स्ट टू प्रोड्यूस मिलीमीटर रेडियो वेव्स। ठीक है, और इसी का यूज़ करते हुए मार्कोनी ने अपना रेडियो बनाया था, इसी को बेस बनाकर। ठीक है, ये जो रेडियो वेव्स जो है इन्वेंट की थी, मिलीमीटर रेडियो वेव्स, इसी का यूज़ करके बाद में मार्कोनी ने इसको अपने रेडियो इन्वेंशन में यूज़ किया था। और मार्कोनी ने इसको जाकर क्या कर लिया था? पेटेंट कर लिया था। जगदीश चंद्र बोस ने इसको पेटेंट नहीं किया था, 2 साल पहले ही इसको बना लिया था। इसीलिए जो है बोला जाता है कि रियल फाउंडर जो है रेडियो वेव्स का वो जेसी बोस हैं। बस इनकी यही चीज़ थी कि इन्होंने कोई चीज़ पेटेंट नहीं करी बहुत सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरी करने के बाद। इनका कहना ये था कि अगर मैंने पेटेंट कर लिया तो आगे उसका इनोवेशन नहीं होगा। और वो चाहते थे कि हम जो है फाउंडेशन बनाएं, जगदीश चंद्र बोस चाहते थे कि वो फाउंडेशन बनाएं किसी भी चीज़ का, ताकि आगे जाके लोग जो है उसको डिस्कवर कर सकें। ठीक है, और ज़्यादा जो है उसको स्ट्रांगली डिस्कवर कर सकें। इसीलिए उन्होंने किसी भी चीज़ का क्या पेटेंट नहीं बनाया। आपका रेडियो बनाने के बाद भी उन्होंने एक गैलेना रिसीवर बनाया, ठीक है, फोटो कंडक्टिंग डिवाइस बनाया उन्होंने। उसके बाद एक कोहरर का इन्वेंशन किया, रेडियो रिसीवर फॉर डिटेक्टिंग रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए एक कोहरर बनाया उन्होंने, रेडियो रिसीवर बनाया। और इसके बाद जब बहुत इनके दोस्तों और फैमिली लोगों ने बोला कि नहीं अब तो आप इसको पेटेंट कराओ, तो सबकी बातों में आकर और फोर्सफुली फिर ये जो कोहरर है इसको जगदीश चंद्र बोस ने क्या करवाया? पेटेंट करवाया, डिटेक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो इसको जो है इन्होंने पेटेंट कराया कोहरर को। इन्होंने माइक्रोवेव्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिया हर जगह पर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जो है इन्होंने इन्वेंट किया, जो कि आप आज की डेट में जो आप 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हो, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये सब चीज़ें की। इन्होंने 1898 में आयरन मर्क्यूरी आयरन कोहरर भी बनाया जो कि टेलीफोन डिटेक्टर था, ठीक है, टेलीफोन वेव जो था उसको डिटेक्ट करता था। बोस ने 5 mm इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो था जो कि 60 Hz, उस टाइम पर 1895 में जब कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था कि लो फ्रीक्वेंसी को वो मेजर कर सके, इस टाइम पर बोस
बोस ने 5 mm इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि 60 हर्ट्ज का था वो जनरेट करके दिखाया, और यही जो है आपका बैकबोन है आज की डेट का 5G टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये जो मिलीमीटर वेव की मैं बात कर रही हूँ, जो मिलीमीटर वेव जो इन्होंने डिस्कवर किया, ये आज की 5G टेक्नोलॉजी का बैकबोन है। तो आप समझिए कि जेसी बोस अपने वक्त से कितना ज़्यादा आगे चल रहे थे, और इन्होंने इन चीज़ों को कभी पेटेंट नहीं करवाया, नहीं तो आज की तारीख में ये सब चीज़ें हमारे नाम पर होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने बताई। ट्रांसमिटेड सिग्नल्स विदाउट वायर्स, ये भी जो है, जो आज का वाईफाई हम बात करते हैं, ये भी जो है इन्होंने अपने वक्त में बता दिया था। माइक्रोवेव ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ करी थी अपने एक्सपेरिमेंट्स में। वाईफाई, इंटरनेट, रेडियो, माइक्रोवेव, रिमोट सेंसिंग, टीवी, रडार, ग्राउंड टेलीकम्युनिकेशन, सब का यूज़ होता है आपका माइक्रोवेव ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी में। और ये सभी का इन्वेंशन इन्होंने, ये छोटे छोटे जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए इससे हुआ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले, इनको क्या क्या ऑनर्स मिले, है ना। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताती हूँ जो इन्होंने एज अ बोटानिस्ट किया था, कि प्लांट्स टू हैव अ फीलिंग वाला। कि देखिए, एक बार क्या हुआ, लंदन में एक इन्होंने कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी, और उस कॉन्फ्रेंस में इनको जो है वो स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड बताना था कि प्लांट्स कैसे जो हैं आपके क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने लंदन में एक कॉन्फ्रेंस करी, और यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हुए थे, और इन सब के सामने इनको एक एक्सपेरिमेंट करना था, कि उनको दिखाना था कि प्लांट्स टू हैव अ फीलिंग। यहां पर उनको ये चीज दिखानी थी। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, एक इंजेक्शन लिया जिसमें क्या था, पॉइजन था। तो इस पॉइजन का जो है इन्होंने क्या किया, जो है इंजेक्ट किया आपके प्लांट्स में। फिर क्या हुआ कि प्लांट ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो वहाँ पे जो है सारे लोग हंसने लगे कि नहीं, आपका तो एक्सपेरिमेंट फेल है, यहाँ पे तो प्लांट्स को कुछ हुआ ही नहीं, प्लांट्स डू नॉट हैव अ फीलिंग। तो यहाँ पर जेसी बोस को लगा कि नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि वही इंजेक्शन जो है खुद में लगाया, कि देखते हैं कि ये मुझ पे असर करता है या नहीं। तो उन पे भी असर नहीं हुआ, तो सभी लोग हंसने लगे कि आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल है। तभी जो है उनमें से एक आदमी उठा उस कॉन्फ्रेंस में से, और उन्होंने बताया कि मैंने जो ये पॉइजन वाला इंजेक्शन था ये बदल दिया, इसमें पानी है। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कन्फेस करी, और जगदीश चंद्र बोस जो है उन्होंने थोड़ा सा स्माइल दी, और फिर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट अच्छे से करके बताया। जो पॉइजन था वो इंजेक्ट किया प्लांट में, तो प्लांट ने उसको क्या किया, सेंस किया, और उसके बाद प्लांट की कुछ टाइम बाद क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ पर उन्होंने प्रूफ किया कि प्लांट्स टू हैव अ फीलिंग। तो ऐसे कुछ स्टोरीज हैं इनकी एक्सपेरिमेंट्स की। देखिए, जब तक लोग हंसते नहीं है मतलब आपने कुछ इन्वेंट नहीं किया है। ठीक है, तो ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, इनका अचीवमेंट था एज अ फिजिसिस्ट एंड अ बॉटनिस्ट। यहाँ पर कुछ अवार्ड्स की मैं बात करूँगी कि इनको क्या क्या अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले हैं। ठीक है, इनको नाइट बैचलर की जो है अवार्ड मिला है 1917 में। ये वियना अकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर रहे हैं 1928 में। जो प्रेसिडेंट ऑफ द 14th सेशन था ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस, 1927 में इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था उसमें प्रेसिडेंट बने थे आपके सर जेसी बोस। इनको फादर ऑफ रेडियो साइंस कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडियो वेव्स का इन्होंने क्या किया, मिलीमीटर रेडियो वेव्स का इन्होंने इन्वेंशन किया था। तो इनको फादर ऑफ रेडियो साइंस कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को बेस करके आगे जो है डिस्कवरीज हुई है ऑन रेडियो। फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद द इंडियन बोटानिक गार्डन, एक इंडियन बोटानिक गार्डन जो है वो इनके नाम पे रीनेम हुआ है, आचार्य जगदीश उसका नाम रखा गया है। ही वॉज द फाउंडिंग फेलो ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ इंडिया, अब उसको बोला गया है इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, इसके ये फेलो भी थे। ठीक है, एक मून पे एक क्रेटर है जो इनके नाम से है, जगदीश चंद्र बोस के नाम से मून पे एक क्रेटर भी है। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड जो हैं इनको मिले हैं। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि इनको फादर ऑफ रेडियो साइंस बोला जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी बोला जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने बुक्स लिखी है रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग 1902 में, नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स 1926 में, मेजर मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स 1928 में, और
निरुद्देश्वर खोजे लिखी है इन्होंने, ये बंगाली फिक्शन है, साइंस बंगाली फिक्शन है, तो ये लिखी है निरुद्देश्वर खोजे, ये लिखा है इन्होंने 1896 में। तो ये कुछ बुक्स जो हैं आप इनकी याद कर लेना, बहुत पॉपुलर बुक्स हैं ये। रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, मेजर मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनकी कुछ कोटेशंस जो कि आपको मेंशन करनी होती है कहीं पर, अगर इनका कोई क्वेश्चन आता है मेंस रिगार्डिंग, तो सबसे पहला इनका वो है, एक कोटेशन है, द ट्रू लेबोरेटरी इज इन द माइंड वेयर बिहाइंड इल्यूजन्स वी अनकवर द लॉज ऑफ ट्रूथ। देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है ये कोटेशन जो इन्होंने दिया है, कि जब ये अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ठीक है, इनका बहुत ही छोटा रूम हुआ करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलोनाइज्ड इंडिया में ये पैदा हुए हैं, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट वाला रूम था वो बहुत छोटा था और कोई भी बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स ये यूज नहीं करते थे। तभी इन्होंने ये कोटेशन दिया कि जो ट्रू लेबोरेटरी होती है वो आपके दिमाग में होती है, ठीक है, और वहीं से बहुत सारे जो लॉज ऑफ ट्रूथ है वो निकल के आते हैं, इल्यूजंस निकल के आते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना या कुछ इन्वेंशन करना है तो उसके लिए आपको एक इक्विप्ड लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, है ना। तो ट्रू लेबोरेटरी इज द माइंड, है ना, ट्रू लेबोरेटरी क्या है, आपका माइंड है, वी आर बिहाइंड इल्यूजन्स वी अनकवर द लॉज ऑफ ट्रूथ। तो ये कुछ कोटेशन है इनके, दे हु बिहोल्ड द वन इन ऑल द चेंजिंग मैनिफोल्डनेस ऑफ द यूनिवर्स अन टू देम बिलोंग टू द इटर्नल ट्रूथ अन टू नॉन एल्स अन टू नन एल्स, ठीक है। ये कुछ कोटेशन है, नॉलेज इज नेवर द एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ एनी फेवर्ड रेस, ठीक है, नॉलेज जो है वो किसी भी फेवर्ड रेस का नहीं होता है। द होल वर्ल्ड इज इंटरडिपेंडेंट एंड अ कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट, पूरा जो दुनिया है वो क्या है, खुद जो है सोचता है, सारी चीजें करता है, ठीक है। तो यहां पर ये कुछ कोटेशन जो है आप कोट कर सकते हैं यहां पर। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि क्या क्या थ्री मार्कर्स आपके बन सकते हैं जेसी बोस से। तो सबसे पहले अगर आपको सिर्फ जेसी बोस एज अ इंडिविजुअल जो है अगर नाम आता है तो आप उसमें लिख सकते हैं, ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड प्लांट्स टू हैव अ फीलिंग विद द इन्वेंशन ऑफ क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। आपको कोई भी, सबसे पहले तो आप कोट कर दीजिए अगर उनको कोई ऑनर मिला है, ठीक है, उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन करी है। अगर आपको क्रेस्कोग्राफ याद आ रहा है, आपको मिलीमीटर रेडियो वेव्स याद आ रहा है, तो आप उसमें ये सब चीज़ें कोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर सिर्फ आता है क्रेस्कोग्राफ तो आपको याद होना चाहिए कि जगदीश चंद्र बोस जो है इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ विच रिकॉर्ड्स द पल्स ऑफ द प्लांट्स एंड मेजर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। यहाँ पर क्रेस्कोग्राफ किसने इन्वेंट किया और क्रेस्कोग्राफ क्या काम करता है, इतना सा आपको लिखना है अगर क्रेस्कोग्राफ आता है। रेडियो वेव्स के बारे में आपको लिखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और इनका फ्रिक्वेंसी कितना होता है। देखिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, 1 या 2 लाइन में आपको 3 मार्कर आपका कंप्लीट कर देना है। फिर अगर कोहेरर के बारे में पूछा जाता है तो आपको याद होगा कोहेरर, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पेटेंट था आपके जगदीश चंद्र बोस का, और यहाँ पर वो क्या करता है कोहेरर, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को डायरेक्ट करंट सिग्नल में जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये उसका क्या बता दिया आपने, इन्वेंट किसने किया और वो क्या काम करता है। माइक्रोवेव्स भी आपको सेम लिखना है कि क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और उनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ यूज होती है। फिर अगर आपका 5 मार्कर आता है थ्रो लाइट ऑन जेसी बोस अचीवमेंट्स, तो आप बता सकते हो जितना भी अभी मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है उसमें आप बता सकते हो कि उनके क्या क्या अचीवमेंट थे एज अ बोटानिस्ट, एज अ फिजिसिस्ट, ये सब चीज़ें आप उसमें बता सकते हो। क्रेस्कोग्राफ के बारे में आप बता सकते हो और क्या क्या डिस्कवरी करी है बोस ने, आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जगदीश चंद्र बोस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर ऐसा 11 मार्कर में फुल अगर क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जगदीश चंद्र बोस से, फिर आप उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस बता सकते हैं क्या क्या है, अचीवमेंट उन्होंने क्या क्या किया है, उनको क्या क्या अवार्ड्स एंड ऑनर मिले हैं, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी हैं, और उसके बाद उनका एक कोटेशन दे के आप आंसर को क्लोज कर सकते हो। तो इस तरीके का आप आंसर फ्रेम कर सकते हो, एक बॉडी मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हम लोग इसको जो है यहीं ख़त्म करते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि
आप जो है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं बहुत सारे जो है आपको पीडीएफ्स शेयर करूंगी और आंसर रिव्यू करूंगी। अगर आप मुझे इन सब के आंसर अगर आप फ्रेम करके दे सकते हैं तो आई विल रिव्यू दैट। और मेरी जो फर्दर यूट्यूब की लिंक्स हैं आपको वो भी मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरा लिंक दिया हुआ है। अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अनअकैडमी लर्नर ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। पैट लाइव मेरा कोड है, उसको यूज करके, ठीक है, पैट लाइव कोड यूज करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अभी आगे और जो है साइंटिस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी पेपर 3 में जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। शाम को 7 o'clock पर जो है 7 बजे वर्ल्ड बैंक का सीरीज आने वाला है ना। वर्ल्ड बैंक हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो शाम को वर्ल्ड बैंक में आप ज़रूर ज़रूर रहिएगा। उसमें भी हम जो है मेंस के हिसाब से चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज़।